बीजेडी सरकार अमल में ठप पड़ा थाना रो सीसीटीवी। हाइकोर्ट रे एडीजी दयाल गंगवार सत्यपाठ खोलिला गुमर। पूर्वतन मुख्यमंत्री थाना को उद्घाटन करते पाखापाखि वर्षे अधिका बीजे देते कि सीसीटीवी एपर्त ए थाना लगे। राज्यर 593 थाना मध्य 456 थाना काम करूनी सीसीटीवी। नुआ सरकार तरफ गंगवार कहिले 15 दिन में बाकी 13 थाना लगे सीसीटीवी। जिला एसपी और डीजी ऑफिस रे रहिबो सबु सीसीटीवी कैमरा रो नियंत्रण। सेना अधिकारी को थाना रे उत्तम व्यवहार नहीं खूब शीघ्र सरकार आनिबे एसओपी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश को अवमानना करुथिले पूर्व बीजेडी सरकार। केवल मो पुलिस नारा देउथिले हेले सबु थाना रे सीसीटीवी कैमरा लगे पारि नथिले तत्कालीन नवीन सरकार। हाइकोर्ट रे पुलिस एडीजी पक्ष जवाब दाखल समय खोलिला पूर्व सरकार का पोल। राज्य में समुदाय 593 थाना मध्य 456 थाना सठिक भाव काम करूनी सीसीटीवी कैमरा। अर्थात राज्य में 77% थाना सठिक भाव काम करूनी सीसीटीवी कैमरा। केवल एतिक नुहे 13 थाना मूलर नाही सीसीटीवी कैमरा जहार ग्राउंड रियलिटी चेक करिथिला अर्गस टीम। 9 जनवरी 2023 रे आकु उद्घाटन करथिले तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। किंतु वर्तमान पर्यंत एठारे जो रहिबा कथा सीसीटीवी लागिया कथा सीसीटीवी लागिनि। वर्तमान जे भाव सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइन रहिछि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन रे मध्ये उल्लेख रहिछि जे प्रत्येक थाना रे सीसीटीवी लागिबो। सीसीटीवी सर्कमटेंस भितरे ये समस्त रहिबो। कोनोसी रूम रे देखंतु मु चित्र देखौछि कोनोसी रूम रे सीसीटीवी नाही। मानवर सरकार को हाइकोर्ट जी प्रशंसा करते प्रोएक्टिव स्टेप तुरंत नहीं इनिशिएशन नि सरकार तरफ पर्टिकुलरली मिस्टर गांगवार तरफ मानव कोर्ट आज आशा व्यक्त करते नेक्स्ट डेट 15 दिन भितर जहाँ गांगवार कहते नुआ सिस्टम काम कर सफलतार सहित लोक मान कम करने उत्सर्गत भाव काम कर। भरतपुर थाना निर्यातना घटना पर बदनाम होता पुलिस। भरतपुर थाना को आदर्श थाना को निजे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उद्घाटन करते हेले सेठी सीसीटीवी कैमरा नथिबा कारणरु उपजीथिबा घटना पाई लज्जित हेबाकु पड़िथिला। ए घटना को नै हाइकोर्ट को पक्षरु निज आडु दायर जनस्वार्थ मामलार सुनानी समय रे व्यक्तिगत भावे हाजर होइथिले एडीजी दयाल गंगवार। आसंता 15 दिन में 13 थाना सीसीटीवी कैमरा लागिबा सह काम करूनथिबा सीसीटीवी को खूब शीघ्र कार्यक्षम कराजिबो बोली हाइकोर्ट रे सरकार तरफ उत्तर रखिछन्ति एडीजे। एहा व्यतीत प्रतिटी थाना रे लागिथिबा सीसीटीवी को संपृक्त जिला एसपी और डीजीपी को कार्यालय नियंत्रण करिबा पई व्यवस्था करूछन्ति राज्य सरकार। एथिसह थाना को आसुथिबा सेना अधिकारी और कर्मचारी को उत्तम व्यवहार सह समस्त सहायता जोगाई देबा पई राज्य सरकार नूतन एसओपी आणुछन्ति बोली सरकारन को तरफरु जवाब दाखल करी कहा जायछि। भरतपुर थाना घटना रे राज्य सरकार और पुलिस रा त्वरित पदक्षेप को प्रशंसा करिछन्ति कोर्ट। एसपी ऑफिस रे पर्टिकुलर एसपी ऑफिस रे से माने करूछन्ति वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम जो थरी एसपी ऑफिस जानी परिवो जे सारा ओडिसा रे पर्टिकुलर से डिस्ट्रिक्ट रे को सीसीटीवी काम करूना है। आ गोटे मध्ये समाने काम करुछन्ती डीजीपी ऑफिस रे जे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम करुछन्ती जा द्वारा सारा ओडिसार सीसीटीवी संबंध में तथ्य तांपा रहिबो एवं अकॉर्डिंगली समान डायरेक्शन दे परिबे ओका को इमीडिएटली इंटरवेन करी यदि गोटे खराब हुए सजाड़ा पाई। मानवर हाईकोर्ट जो निर्देश देते गोटे गाइडलाइन बा एसओपी करने आर्म पर्सनल जदि कोर्ट आसुचन थाना को कि भली भाव में व्यवहार प्रदर्शन करा जीवो से संबंध में सरकार तरफ सत्यपाठ दाखल करा जाइछि। बिजु जनता दल जो सरकार थिला जो मो सरकार कहते मो सरकार समय 593 थाना सीसीटीवी कैमरा लगिथिला एवं 456 थाना सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम करूनी। सीसीटीवी कैमरा इयरे केते टंका खर्च होइछि इटी काही की काम दौनी कौ परिमाण रो सीसीटीवी लागिथिला आर तदारख होबा निहाती जरूरी अछि एवं मोहन सरकार आदरे व्यक्तिगत भाव कार्यानुष्ठान नबा जरूरी अछि।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश परे भी सीसीटीवी अचल कर टीफर ट्रांसपेरेंसी धज्जिया उड़ाऊ पूर्व बीजेडी सरकार महांगारु अशी सामल और कटक्रु कैमरा पर्सन अंजन मल्लिकों सह इमरान खान का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।